ओम श्री गणेशाय नमः, ओम दुर्गा माताय नमः, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय त्वं देवी चामुंडे, जय भूतार्तिहारिणी, जय सर्वगते देवे कालरात्रे नमोस्तुते। काले काले महाकाले, काल के परमेश्वरे सर्वानंद करे देवे नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभेसराहिनो देवे दुर्गे देवे नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता की। नवरात्रों से जुड़ी जानकारी तो आपको सभी दे रहे हैं, लेकिन कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त किसी ने आपको नहीं बताया, जो सबसे जरूरी है। मेरे प्यारे बंधुजनों, नवरात्रों में किए जाने वाले कलश स्थापना से देवी भगवती बहुत प्रसन्न होती है और अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। मैं भी YouTube पर बहुत से वीडियो देखे, सबने अपने बताए, लेकिन कलश स्थापना किसी ने भी नहीं बता रखी। आज मैं आपको बताने वाला हूं साल 2023 की जो आश्विन शारदीय नवरात्रि हैं, उनमें कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, नवरात्रों में क्या क्या कार्य करने चाहिए, क्या कार्य नहीं करने चाहिए, किन कार्यों के करने से माता प्रसन्न होती है, किन कार्यों के करने से माता आपके घर आती है, यह संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी भक्तों को आज का एपिसोड बेहद पसंद आएगा। कमेंट में जय माता की जरूर लिखना है। तो मेरे साथ मिलकर माता रानी के नाम का जयकारा लगाएंगे। बोलिए साचे दरबार की जय। नमस्कार, मैं पंडित नीति शास्त्री एक बार फिर से आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बंधुजनों, आश्विन के महीने में आने वाले माता के नवरात्रों को शारदीय नवरात्रे कहा जाता है। हर साल यह नवरात्रों का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और आश्विन नवरात्रे सितंबर या अक्टूबर में आते हैं। इन नवरात्रों में किए गए पूजा पाठ से माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं, अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। प्यारे दर्शकों, साल 2023 में जो आश्विन नवरात्रे हैं वो 15 अक्टूबर, डेट अच्छी तरह से नोट कर लें, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर कर रहा हूं। 15 अक्टूबर है और रविवार का दिन होगा, चित्रा नक्षत्र होगा, शरद नवरात्रे प्रारंभ हो जाएंगे। 15 अक्टूबर रविवार का दिन नवरात्रे शुरू होंगे। इसी दिन कलश स्थापना घट स्थापना की जाती है। उसका शुभ मुहूर्त क्या होगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट जानकारी है जो अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि 15 अक्टूबर रविवार को किस समय आपने कलश स्थापना करनी है, कलश की स्थापना कैसे करनी है, उसमें क्या-क्या डाला जाता है, ये मैं आपको बताऊंगा। बहुत मन से आपके लिए एपिसोड बना रहा हूं, ध्यान से इस एपिसोड को देखना है मेरे प्यारे भक्तजनों। 15 अक्टूबर रविवार से माता रानी के आश्विन नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं, जो कि चलेंगे 24 अक्टूबर मंगलवार तक। माता रानी के ये नवरात्रे चलेंगे। प्यारे दर्शकों, अब मैं बताऊंगा कि घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा। 15 अक्टूबर और दिन रविवार को सुबह के 11:12 से लेकर 11:58 तक टाइम को नोट कर लें। सुबह के 11:12 से और सुबह के 11:58 तक कलश स्थापना करने का सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा। और कलश को कैसे रखना है वो सुने, कलश मिट्टी का होना चाहिए। अगर मिट्टी का अवेलेबल नहीं है तो आप स्टील का पात्र ले सकते हैं। आपने
थोड़ी मिट्टी लेकर, थोड़ा रेत लेकर उसको गीला कर लें। उसमें आपने जवारे बीज देने हैं, उनके ऊपर आपने कलश को ताजा जल और गंगा जल डालकर उस कलश में थोड़े चावल, 1 रुपए का सिक्का, एक सुपारी, थोड़ी हल्दी, थोड़ा दुर्वा और थोड़ी आपने सरसों, ये सामग्री डालकर कलश को उस मिट्टी के ऊपर रख देना है जहां पर आपने जवारे बीजे हैं। अब आपने कलश में आम के पत्तों की साफ सुथरी टहनी लगा देनी है और इस कलश के आम के पत्तों की टहनी के ऊपर आपने श्रीफल अर्थात पानी वाला नारियल, उसके ऊपर लाल रंग की चुनरी लपेटकर कलावा बांधकर ये आपने स्थापित कर देना है। ये आपका हो जाएगा कलश स्थापना। उस कलश के ऊपर आपने स्वास्तिक सतिया का चिन्ह बना देना है, ओमकार का चिन्ह बना देना है। ऐसा करने पर ये हो गया आपका कलश स्थापना। नवरात्रों में जिन घरों में कलश की स्थापना की जाती है उन घरों में कभी भी दरिद्रता नहीं आती, सुख सौभाग्य हमेशा बना रहता है। प्यारे बंधुजनों, 15 को होगा पहला नवरात्रा, 16 को दूसरा नवरात्रा, 17 को तीसरा नवरात्रा, 18 को चौथा नवरात्रा, 19 को पांचवा नवरात्रा, 20 को छठा नवरात्रा, 21 को सातवां नवरात्रा और 22 तारीख को होगी श्री दुर्गा अष्टमी, महाअष्टमी भी जिसे कहते हैं। अच्छी तरह डेट मार्क कर लो, 22 अक्टूबर रविवार के दिन होगी श्री दुर्गा अष्टमी महाअष्टमी और 23 तारीख को होगी महानवमी। 23 तारीख को नवमी होगी, यानी कि नवरात्रों में जो 9 दिन देवी की पूजा की जाती है, अंतिम स्वरूप नवम स्वरूप जो है वो 23 तारीख को नवम स्वरूप की पूजा की जाती है, पूजा उपवास, और 24 तारीख को जो है वो कलश विसर्जन होता है, अर्थात 24 तारीख और मंगलवार को जो है विजयदशमी यानी कि दशहरा है, इसी दिन जो है कलश विसर्जन किया जाता है, नवरात्रि पारणा की जाती है और इस दिन जो है विजयदशमी का त्योहार भी मनाया जाता है। तो 15 अक्टूबर से नवरात्रे प्रारंभ होकर 23 अक्टूबर दिन सोमवार तक माता रानी के शारदीय नवरात्रे चलेंगे। नवरात्रों में अपने घर में भोजन में प्याज लहसुन का प्रयोग ना करें, कोई भी तामसिक वस्तु मांस मदिरा बिल्कुल भूल कर भी नहीं छूनी चाहिए। नवरात्रों में जितना ज्यादा हो सके माता रानी के नाम का कीर्तन करावें और अगर आप नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती का पाठ अपने घर पर करवाते हैं तो ऐसा करने से देवी माता आपको सौभाग्य आयु आरोग्यता का वरदान प्रदान करती हैं। तो मेरे प्यारे दर्शकों, बहुत मेहनत से आपके लिए जानकारी ली है, अगर आपको मेहनत पसंद आई है ज्यादा से ज्यादा एपिसोड को शेयर कर दें, ट्रेंडिंग में ये वीडियो लेकर के आ जावें। मेरे प्यारे दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। कमेंट में जय माता की, जय माँ बगलामुखी जरूर लिखना है। प्यारे दर्शकों, आप इसी तरह हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और माता रानी का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बना रहे। जय मैया की।